क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब आज जो है ना हमारे यहाँ भाई सहरी की दावत और अम्मी जो है आज जो दावत को बुलाया है हम लोगों को। तो हर साल क्योंकि अम्मी दावत करती है। अच्छा हम भी करते हैं वैसे तो, लेकिन इस साल पता नहीं क्या हुआ, पानी को हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जानने के लिए किया किस तो माशाल्लाह नहीं, मेरे घर में भी होती है, सहरी की दावत भी होती है, उतार की भी होती है, लेकिन इस बार पूरी नहीं होगी। अच्छा जी, तो आज जो है ना सहरी की दावत है, हम लोग निकल रहे हैं सहरी के लिए, और जो है ना बस हम लोग अभी 12 बजे के बाद तो रेडी होना स्टार्ट हो, और अभी तक 2 बजे क्या हो रहा है, 2 बजे तो बस निकलते हैं। अम्मी की भी कॉल आ गई, कब तक आओगे, मेरे को हम लोग आते हैं। तो क्या कर रहे हो, चलेंगे निकले फिर? नहीं चलते हम लोग, जैसे थोड़ा जल्दी निकल जाते, लेकिन जो है ना वो शीशे हमारी जो रात है ना, ये आएगी हमारे ड्रेसिंग के कभी साइड में शीशे तोड़ देती है, इसलिए थोड़ा शीशे वाला वायर लगाने के लिए। तो अभी रात को भी क्योंकि सबके रोजे होते हैं, 1:30 बजे आया लगा, 1:30 बजे आया, अभी रमजान में सभी की ड्यूटी थी, तो अब वो करके गए काम, तो हम कर ले, चलो जल्दी करो, घर निकल गया। आप लोगों को इनविटेशन कार्ड आएगा, देर हो गई, जल्दी करो चलो, बाबा अभी निकाल रहे हैं गाड़ी, गाड़ी निकाल रहे हैं अभी। अच्छा जी, चलो क्या हो गया इबाद? क्या हो गया? मैं आता हूँ मम्मा के साथ। तो यहाँ से लेंगे हम लस्सी, और माशाल्लाह रश कितना हो रहा है, तकरीबन 2 से ऊपर टाइम है। ओहो मिल जाएगा, रश तो बहुत है माशाल्लाह से, इतनी कोई रौनक हो रही है, और पीछे से देखो, वो देखो, वो देखो बाहुबली, वो देखो बाहुबली, वो देखो देखो वो दोनों, तुम लोग इंसान नहीं बनोगे। अच्छा तो मेरी ना कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं लाइट नहीं ऑन करना चाह रही थी, दरअसल काफ़ी रश हो रहा है शहरी के ये समाया हुए ना तकरीबन, तो अगर लाइट की खोल गई वैसे सही हो रहा जाएंगे ना, अंधेरा तो नहीं हो रहा ना। तो जनाब समझ में नहीं आ रहा था घर पर क्या लेके जाऊँ, तो मैंने अम्मी को कॉल करके बोला, मैंने कहा हम लोग जो ना लस्सी लेते हुए आ जाते हैं, क्योंकि शहरी में सब पी लेते हैं ना जाएंगे, तो अभी हम लोग लस्सी लेने आए हैं यहाँ पे, हमारे हैदराबाद की बड़ी मशहूर लस्सी निशात लस्सी। तो पहले ना हम लोग बहुत दूर जाते थे इसको पीने के लिए, लेकिन अब जो है ना हमारे लतीफाबाद में इसकी ब्रांच खुल गई है, तो सबसे अच्छी वाली बात हुई, तो बस अभी हम लोग जो है यहाँ से लेते हैं लस्सी और फिर घर जाते हैं। मैं पकड़ लूँ, मुझे दे दे, पीछे ख़राब ना हो जाए, मुझे दे दे, बिस्मिल्लाह। लिखवा लिया था पी की कौन सी मीठी कौन सी है निशानी? अच्छा अच्छा वो ज्यादा नहीं, पापा कहाँ पर है अम्मी? तो अभी जो है ना हम लोग पहुंच गए थे आज रमज़ान की पहली सहरी करने अम्मी के घर पे, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी रौनक हो रही थी, लेकिन अभी बस जो है ना लाइट गई हुई है ना, तो थोड़ा सा अंधेरा आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड में लग रहा होगा, लेकिन मैं आने की जो एक खुशी होती है ना, और एक जो सुकून होता है वो एक अलग ही होता है, और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। जज़ाकअल्लाह। कहाँ आप, कहाँ थे? यहीं थे हुसैन? अरे इतनी जल्दी याद आया तुम्हें, मैं पानी एक हाथ में, मेरे पानी एक हाथ में, मेरे ये पकड़ो ये बात, एक मिनट चलो अब करो, अब कर लो चलो हुसैन चलो जी। रमजान का इतना खूबसूरत महीना है, हमें चाहिए कि हम जो है रमज़ान को अपना कीमती बनाएं, हम बहुत सारे तरीक़ों से मतलब उसको कर सकते हैं, अपने कुरान पाक को तवज्जो से पढ़ें, तर्जुमे कर पढ़ें, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और आप अमल करें, क्योंकि आप जब करते हैं वही आपके बच्चे सीखते हैं, आप अपने बच्चों को इसकी मतलब तरबियत दें कि वो नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, क्योंकि जब भी हमें फ़ायदा होता है जब हम उसको तर्जुमे से
पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ इस तरह का पता चलता है जैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन गुजार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ में आई होगी ये बात। और आप तो एक छोटा सा मैसेज है मगर बहुत बड़ा मैसेज है। शहरी में जो है ना मैंने अम्मी से बात हुई थी ना दोपहर में, तो मैंने कहा था कि अम्मी बहुत ज़्यादा खाना मत करना, मतलब कि बस एक आध खाना जो होता है ना, मतलब डिश जो होती है बस वो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो खैर फिर भी अम्मी ने जो है ना कीमा था, साथ में पाए थे और दाल भी थी, तो ये चीज़ें थी। अच्छा सहरी अफ्तारी का ये होता है कि आम दावतें जो होती हैं ना उसको तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सहरी अफ्तारी में जो ना आखिरी का जो टाइम होता है ना उसमें थोड़ी भगदड़ मच ही जाती है। मतलब आप कितना भी कर लो ना, लेकिन टाइम टू टाइम का जो होता है ना इसमें हिसाब किताब सहरी और अफ्तार में, तो थोड़ी सी हबड़ तबड़ सी हो जाती है। जबकि सब एक साथ माशाल्लाह मिलके काम कर रहे थे, आधे पराठे जो थे वो अंबर और मोहतर बना रही थी, बाकी जब ये लोग बैठ गए थे दस्तरखान पे तो फिर मैंने कर लिया था। अम्मी जो है साथ लगी हुई थी, अम्मी वैसे कोई किसी को काम नहीं करने दे रही थी, लेकिन फिर भी जो ना हम लोग बीच बीच में आगे करवा रहे थे कि भाई जो काम हो वो दे दो करवा लो, लेकिन जो है ना मिल बांट के काम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी यहाँ पर जो है ना बस अभी अंडे और ये चीज़। अच्छा अंडों का ही होता है कि पता नहीं आप लोगों के घरों में ऐसा होता हो या नहीं होता, लेकिन ख़ासतौर पे मेरी अम्मी के घर पे जो ना ये है कि भले कितने भी सालन रखे हों लेकिन अंडा जो है ना वो कंपलसरी है। अच्छा जी यहाँ पर जो है ना अभी सहरी माशाल्लाह हमारी हो गई थी और इबाद जो था ना वो सो चुका है और मुझे खुद भी इतनी कोई नींद आ रही है, मेरे सर में आधे सर का जो है ना दर्द हो रहा है। तो ये टाइम जो है ना आपके सामने 7:15 बज रहे हैं अभी, क्योंकि अभी सदब बाजी और अंबर वगैरह गई हैं, मुझे भी जाना था लेकिन इबाद सो गया, तो फिर हस्बैंड की जो है हिम्मत नहीं हुई कि रोज़े में जो है ना उसको उठा के फिर घर पर भी लाजिम आते, दो जीने चढ़ के जाना होता, तो मैंने कहा चले ऐसा करते कि फिर मैं शाम तक जो है ना इंशाल्लाह फिर घर वापस जो है चली जाऊंगी। और अभी तहसीन जो है वो एडिटिंग कर रहा है, जो अम्मी की अभी सहेली की जो वीडियो बनी है ना उसकी एडिटिंग कर रहा है, तो बस मैं यहाँ पर ही अभी मैं कैडियो में बंद कर रहा हूँ, तो मुझे सोना है। तो ये लोग बस अभी बैठे हुए जाके बातें कर रहा है और साथ में जो है ना तहसीन भी एडिटिंग कर रहा है। क्या मामू अगर वह कर रहा है? अच्छा तो चला गया कि बाजी को सोना है, कह रहा वो लाइटें वाइटें जो ना बंद करनी पड़ेगी, मैंने कह रहा था मैं यहीं पर करूँगा एडिटिंग। और अम्मी और ये लोग जो है ना अभी सो चुके हैं। क्या वो एडिटिंग नहीं करी? तो लेट के कर रहा है, लैपटॉप पे नहीं कर रहा? तो इसकी एडिटिंग देखो, ये सिम अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा था लेकिन अब जो है ना फिर ये मोबाइल से कर लेगा। तो बस अब नींद से जो है ना हालत बुरी हो रही है, बाकी अब आज जो है मैं अफ्तारी भी अम्मी घर पर करूँगी, मतलब आज फुल डे जो है ना रमज़ान का पहला दिन होगा जो मेरा अम्मी घर पर जो है वो गुजरेगा। मेरी कोई ऐसे नियत नहीं थी रुकने की, इसलिए कपड़े पे मेरा ये न्यू सूट पहना हुआ है और इसी में जो है मुझे अब पूरा दिन गुजारना पड़ेगा। हिम्मत ही नहीं हो रही है कि भी अम्मी को ऐसा सूट देखूँ या तो क्या करते हैं। खैर जी आज का जो है पूरा दिन अम्मी घर पर गुजरेगा, देखते हैं अफ्तारी में आप लोगों से मुलाकात होती है, क्योंकि दिन में भी जो एक्टिविटी होगी वो आप लोगों को दिखा दूँ क्या करेंगे। अभी सोते हैं और फिर सोने के बाद उठ के बोलते हैं कि बात भी नहीं। कपड़ों में सो रहा है? हाँ लाइट बे टाइम गई हुई है लाइट, क्या दही बड़े बना रही हैं? आके गई है हाँ, ये बे टाइम है, कोई टाइम नहीं है। पानी वाले पकौड़े नहीं, दही वाले सरसों का तेल है ना? हाँ, सरसों की हाँ, सरसों की ऑयल की आ रही है। आज सुबह सहरी के बाद जो ना हम सबको इतना थक गए थे, मतलब कि लग रहा था कि पता नहीं कितना काम किया है, जबकि हम तो सिर्फ यहाँ पे दावत में आए थे और असल थकन जो थी वो अम्मी और मोहतर को ही होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी थकावट हो गई थी क्योंकि ना टाइमिंग का थोड़ा सा वो अप एंड डाउन होता है ना, कि मतलब सहरी के फ़ौरन बाद हम लोग सो जाते हैं, मतलब मैं अपने घर पर होती हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था। बल्कि मैं जो है आप लोगों को मैंने दिखाया था कि 7:45 बजे मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन पूरी मुझे जो है ना 9 बज गए थे तकरीबन सोते सोते, क्योंकि लाइट वगैरह जाती है ना तो उसके बाद ही फिर सोने में आया। तो
अभी जब हम लोग सो के उठे हैं ना, तो उसके बाद बस नमाज़ वगैरह अदा करी जल्दी जल्दी, क्योंकि जोहर का बिल्कुल जो है ना टाइम जाने वाला हो रहा था। और फिर उसके बाद असर पड़ी और फिर दोबारा से इफ्तारी के लिए आ गए। तो आज का जो दिन था ना, पता ही नहीं चला कि किस तरीके से, मतलब संडे जो था ना वो वाकई भागते दौड़ते ही गुजर गया। और फिर कल से वही मंडे स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि अपने घर की रूटीन में, और जब आप अपनी मैके में जाते हो, खासतौर पर दावतें अटेंड करते हैं जब, तो रूटीन जो है ना थोड़ी सी आपकी डगमग होती है, मतलब वो टाइमिंग जो होती है आपके सोने की उठने की वो थोड़ी सी, क्योंकि अभी खाना पीना तो लाजिम आते हैं नहीं रोज़ों में, लेकिन हाँ उठ के जो है हम लोगों ने अपने बच्चों को दिया था, हसन हुसैन थे, इबाद था, तो इन लोगों का हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर कुरू के ना उसके बाद ही फिर हम लोग जो है फिर अफ्तारी के लिए आ गए थे। डायमंड भी अच्छा होता है, डायमंड हाँ यहाँ पे वही बात हो रही थी जो कि मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे सुबह 9 बज गए थे सोने में, क्योंकि तोते ने भी जो ना अम्मी वालों की वो सोने नहीं दिया, इतना कोई चीखता है, इतना कोई चीखता है, तो आवाज़ उसकी इतनी शदीद तेज़ है ना कि जब जब आँख लग रही थी ना तो इतना पता नहीं क्यों शोर करता है और सबको उठा देता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही थी, मोहसिन भी उसी की आवाज़ों से इतना परेशान था और यही कह रहा था कि भाई ये सोने नहीं देता है, क्या मसला है। तो बस जो है ना अभी इसको सेल करने की बातें हो रही थी कि भाई इसको जो है ना सेल करके दूसरे तोते ले लेते हैं। तो बस यही है, बच्चे मेरे भी पीछे लगे रहते हैं कि मम्मा तोते ले लें ये वो, लेकिन मुझे जो है ना बस परिंदों की इस तरह की अगर डिस्टर्बेंस होती है ना लाइफ में, तो मुझे फिर नींद के आगे जो है ना मुझसे फिर चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि फिर सही नहीं रहता, आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रहता और वैसे भी जो ना ठीक नहीं रहता, क्योंकि प्रॉपर आपकी नींद जो है पूरी होनी चाहिए। हुसैन दुआ मांग ना, एक जूस और चार पेटिस बस बंद करो उसके अंदर चूल्हा। माशाल्लाह अम्मी जो है ना वो दावत सहरी से फ्री हो चुकी थी और अब जो है बस अफ्ताह पार्टी रहती है, तो वही लोग हम लोग अभी बैठ के बातें कर रहे हैं कि कब की रखनी है क्या वो, क्योंकि सारी टाइमिंग का जो है ना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं ना, तो अम्मी को यही है कि भाई जिस दिन बच्चों के पेपर ना हो, क्योंकि आज अम्मी ने जो है ना यही पूछ के रखा था कि सैटरडे को रख लेती है ताकि संडे को बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो ये चीज़ बड़ी देखनी पड़ती, क्योंकि पहले ये होता था कि बच्चे छोटे होते थे या बच्चों के स्कूल अक्सर बंद होते थे रमज़ान में, लेकिन इस बार जो है स्कूल की टाइमिंग भी है, स्कूल भी साथ साथ, तो हर चीज़ को देख के ना फिर मैनेज करना पड़ता है। तो बस आज की इफ्तारी जो है वो माशाल्लाह से मेके वालों के साथ हुई, फिर बस मैं घर चली गई थी, और नेक्स्ट जो है वो आपको भी मेरे अपने घर से व्लॉग देखने को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, जल्दी मिलते हैं।